आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास, और मुझे आपका ना एक्सपीरियंस जो है एक साल का वो आपके साथ शेयर करना था। साथ में मेरे साथ क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा विजन कैसा है, तो वो सारे चीजों के मैं आज आपको आंसर दे दूंगी। एंड इस वीडियो के अंदर वो मैं कवर कर दूँ, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि बातें बहुत सारी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी जो मुझे डॉक्टर्स ने बोला है या फिर जो मुझे खुद से फील हो रहा है। तो जब एक हफ्ते बाद से आंखें आपकी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं, तो मेडिसिंस भी कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड आप नॉर्मली हर चीज कर सकते हो, बट आपको जब धूप में जाना है तो आपको सनग्लासेस लगाने पड़ेंगे। तो सनग्लासेस आपको ब्लैक कलर के लेना है, ग्लास वाले लेने हैं, यूवी प्रोटेक्शन वाले लेने हैं। मैंने इधर ब्राउन इसलिए लिया है क्योंकि मेरे एक तो टाइम हो चुका है, ऊपर से वो ना रेंडमली टूट गया था। ऑफकोर्स मैंने बोला था ग्लास वाला लेना है, तो ग्लास वो गिर के टूट गया था, तो एट अ टाइम मेरे को नहीं मिला था, तो इस वजह से मैंने ये वाला लिया है। बट इट्स ओके, आपके आंखों पे डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए। जब तक आपको लगाना है आप लगा सकते हो, 6 मंथ तक ये मैंडेटरी है, उसके बाद आपकी मर्जी है आपको लगाना है नहीं लगाना। मैं प्रोटेक्शन के लिए लगाती हूँ और एक्सरसाइज भी अभी तक करती हूँ, जबकि एक्सरसाइज भी 6 मंथ तक ही कहा था उन्होंने मुझे। ड्रॉप के लिए बोला है उन्होंने मेरे को कि 4 बार अभी भी दिन में डालना है, 6 बार बोला हुआ था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो मेरी वॉइस ठीक आ रही हो एंड मैं सब कुछ एक्सप्लेन आपको कर पा रही हूँ। एक्सरसाइज का मैं आपको जरूर से बताऊंगी क्योंकि वो वाला क्वेश्चन मेरे पास ना बहुत ज्यादा आया। इवन मैं जब एम्स में थी तो वहां पे बहुत क्वेश्चन पूछे थे मेरे से कि इस चीज से रिलेटेड, तो वो चीज के बारे में आपको जरूर से बताऊंगी अलग वीडियो में, बट थोड़ी सी लंबी चली जाएगी वो। तो ये है ड्रॉप ओस्मोल्यूब 3G जो कि मुझे ड्राइनेस के लिए मिली हुई है, एंड आपको भी होप यही वाली मिली होगी या फिर कोई और मिली होगी, जो भी हेल्थ की ऐप है उससे आपको इजीली ये मिल जाएगा। काफी टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है, बट अगर आप ट्राई करोगे 2-3 दिन आराम से आपको मिल ही जाना है। एंड ऑर्डर वैसे होता है जैसे आप फ्लिपकार्ट से अपनी ड्रेसेस ऑर्डर करते हैं या फिर कोई और चीज ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे से पूछे थे कि मेरा विजन कैसा है अब एक साल बाद, तो एक साल तो छोड़ो, मेरा उसी वक्त बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया था, बिल्कुल ऐसा दिख रहा था यार दुनिया कितनी सुंदर है। वो ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था मेरा, काफी लोगों का होता है कि कम होता है। जब आपकी सर्जरी होगी तो उसके अगले दिन तक कभी एक्स्ट्रा होगा विजन, कभी 6x6 से भी ज्यादा आ जाता है एंड कभी 6x5 भी आ जाता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट वो ना टाइम के साथ साथ अपने आप एग्जैक्ट हो जाता है जैसा होना होता है। अब मुझे बिल्कुल वैसा दिखता है जैसे मेरे को पहले चश्मे से दिखाई देता था। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था मेरी डाइट से रिलेटेड कि अगर आपका नंबर मैंने क्या क्या डाइट ली एंड आपका जो नंबर है उसको स्टे कैसे करना है। डाइट में मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने जूसेस पिए थे और थोड़ा सा अपने आपको स्ट्रांग बनाया था, हेल्दी फूड लिया था एंड एक हफ्ते पहले से मैंने कोई बाहर का खाना नहीं खाया था, लाइक जंक फूड नहीं खाया था, खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं नहीं खाया था मैंने कुछ भी ऐसा। इवन पार्टी थी मैं वो भी अटेंड नहीं करी थी। चीजें हार्मफुल तो होती है ना कहीं मैदा खा रहे हैं हम, कुछ ज्यादा मीठा खा रहे, तो वो चीज मैंने एक हफ्ते पहले करा था, मुझे नहीं पता औरों ने किया था नहीं किया था, मेरे साथ जो हुआ है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। एंड मैंने जैसे कि बताया मेरा जो नंबर है वो एक्स्ट्रा इसी रीजन से ही आया था, मैंने दवाइयां नहीं कुछ ऐसा नहीं खाया, मैंने प्रॉपर डाइट ली थी, लाइक फ्रूट खाए थे मैंने, जूसेस पिए हैं, आंवला जूसेस, नीम का जूस हो गया, एंड इससे आपकी स्किन भी बहुत क्लियर हो जाएगी। तो ये था मेरा एक हफ्ते पहले का डाइट एंड ऑफकोर्स मैंने जब सर्जरी करवा ली थी तो उसके बाद भी एक हफ्ते तक मैंने यही सब चीजें खाई थी, यहाँ तक कि मैं एक चीज आपको कसम खा के बोल रही हूँ मैंने मुंह तक नहीं धोया था। वो बोल रहे हैं कि उस दिन से आप मुंह धो सकते हैं, हार्ड एक्सरसाइज कर सकते, मतलब वो बोल रहे हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बट उसके बावजूद भी मैंने वो चीजें नहीं की। मैंने अपनी मम्मी की सुनी है हमेशा और ऑफकोर्स उनका हक है हमारे ऊपर, उन्होंने ही बोला था मेरे को डाइट अच्छे से लेने के लिए, तो मैंने अच्छे से डाइट ली है, प्रॉपर डाइट ली, उसके बाद भी डाइट अच्छे से लिया, उसी के रीजन तो है बहुत जल्दी रिकवर हुआ था, मेरे को पेन नहीं हो रहा था, सबकी आंखें जल रही थी, तकलीफ हो रही थी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हाँ पेन हो रहा था, आपको पेन किलर मिलती है वहां से, 2 पेन किलर मैंने ली थी, शायद एक दिन उसी टाइम ली थी और एक रात के टाइम पे ली थी, उसके बाद विजन इतना क्लियर हो गया था कि बस मैं अब खुद को नजर नहीं लगाना चाहती। इसके अलावा भी आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछे थे कि आप अपना नंबर स्टे कैसे करवा सकते हो, लाइक आपका नंबर हर 6 महीने में बढ़ता बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो वो ना अपने आप से स्टे कर जाता है, मतलब रुक जाता है, अपने आप से स्टॉप हो जाता है नंबर। अगर आपका 2.5 है तो 2.5 पे ही आपका ऑपरेशन होता है। एंड कई बार मैंने ऐसा कमेंट मेरे को आया है, इनफेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं कि हम उनको झूठ बोल दें क्या,
यहाँ तक कि मेरे को एक वहां पर भी मिला था एम्स में, जब मैं सर्जरी करा रही थी, कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मेरा कोई नंबर रुका नहीं है, मैं तो करवाऊंगा, करेगा क्या कर लेंगे। पता है क्या होता है उसमें, बहुत ही एक वैसी बात सुनो, सबके वहां पे चश्मा लगा हुआ है, आपने खुद देखा होगा, अगर आपने भी गए हो वहां पर, एम्स में गए हो, एम्स में हर डॉक्टर के चश्मा लगा हुआ है। अगर कुछ ऐसी चीज होती ना तो वो अपना भी तो हटा सकते थे अगर उनका रुक गया है तो, पर उनको वो चीज पता है, वो ना जो नंबर होता है वो चीज एग्जैक्ट वहीं रोक देते हैं, ताकि उससे बढ़ भी सकते हैं, अगर हमारा बढ़ रहा है, अगर हम 18 में करवा लेंगे तो ऑफकोर्स ही बात है हमारा नंबर बढ़ेगा, उसके बाद हमें अपने नंबर का चश्मा लगाना पड़ेगा, ना जाए। उसके लिए आप अपनी प्रॉपर डाइट लो, अच्छे से खाओ पियो, और कोशिश करो कि अपने ही नंबर का चश्मा पहनो, ना कि आप को नंबर चढ़ा हुआ 5 आप पहन रहे हो 2 का चश्मा, आप पहन रहे हो 4 का चश्मा, की मुझे तो सबको दिख रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपका 0.25 का भी आ रहा है ना फर्क, तो आपको अपने ही नंबर का चश्मा पहनना है, ना कि आप कोई भी अपना उठा के पहन रहे हो। एंड प्रॉपर आप मतलब यही मैं अपनी जो ट्रिक यूज करी है वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर यही सजेस्ट करेंगे आपको, आपको मेडिसिन भी दे सकते हैं इनफैक्ट डॉक्टर, अगर आप बोलो उनको कि मुझे मेरा नंबर रुक नहीं रहा है, मेरी एज 21 सालों की है, अभी तक भी मेरा नंबर नहीं रुक रहा है, तो हो सकता है वो आपको मेडिसिन दे दे। स्टार्टिंग में मेरे को मेडिसिन दी थी उन्होंने, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था, बिकॉज फर्क पड़ा था 0.25 तो फिर भी बढ़ा मेरा, उसमें ऐसा होगा कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी एज के साथ साथ आपका नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आंखों की कैपेसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो वो चीज रहेगी। और अगर आप डॉक्टर को जाके बोल दोगे कि नहीं मैं तो मेरा तो 5 नंबर है और पिछले 2-3 साल से एकदम फिक्स है, और आप मेरा 5 नंबर पे ऑपरेशन कर दो, तो वो आपका ऑपरेशन तो कर देंगे, वो आपकी मिस्टेक रहेगी। सबसे पहले तो एम्स वाले बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं आपके ऊपर, आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, आप झूठ भी बोल लो तो वो पकड़ लेंगे। बट मैं आपको समझा रही हूँ ये बात कि अगर आप झूठ बोल रहे हो ना तो नुकसान आपका है, फिर आपका नंबर जब बढ़ जाएगा आपको वो अपने नंबर का चश्मा पहनना पड़ेगा, तो ऑपरेशन के बाद भी चश्मा पहनना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, झूठ बोल के कोई भी फायदा नहीं है। एंड एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास, रीजन, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वो आपसे रीजन ही पूछते हैं कि आपको सर्जरी करवानी क्यों है। मेरा रीजन कुछ नहीं था, कॉस्मेटिक था, तो कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है उसमें कुछ भी हो सकता है, मैं स्माइल सजेस्ट कर दिया उन्होंने, लैसिक सजेस्ट कर दिया। बट अगर आपका आर्मी में जाना है तो वहां पे लैसिक रिजेक्ट हो जाता है, तो वो फिर आई थिंक कोई और ऑप्शंस देंगे आपको या फिर और कुछ। एंड जो डॉक्टर एस के कोकर हैं जिन्होंने सर्जरी सजेस्ट करते हैं एंड में, वो आपसे मिलते हैं आपके सर्जरी से पहले, एंड सर्जरी भी वही करते हैं, तो उनको वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके फेस से उनकी एज हर चीज से दिख रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो और किसी यूट्यूबर को नहीं होगा, किसी और डॉक्टर को नहीं होगा आई थिंक, और अगर वो एम्स में बैठे हैं तो ऑफकोर्स डॉक्टर्स को भी नहीं होगा इतना एक्सपीरियंस है, वो हेड हैं, सर्जरी कर रहे हैं, उनकी एज भी अच्छी है, तो उनको मतलब हर चीज है उनके पास, तो आप उनकी बात सुनो ना, आप किसी की बात क्यों सुन रहे हो। आप काफी बार मेरे को कमेंट करके बोलते हो कि मेरे को बोला है कि मैं लैसिक करा लूं, बट मेरे को तो कॉन्टूरा कराना था, मैं क्या करूं, मैं ये क्यों नहीं करवा सकता, उन्होंने तो मेरा कॉन्टूरा करने से मना कर दिया, तो वो चीज ना आप डॉक्टर से वो करो, कंसल्ट करो, या तो आप उनको बोल सकते हो जैसे कि मुझे उन्होंने डिफरेंस बताया था स्माइल एंड लेसिक में, कॉन्टोर में, या फिर उसमें लेसिक में, मैं भी कॉन्टोरा ही करवाने के लिए गई थी, बट मैंने भी तो स्माइल करवा कर आई हूँ, तो वो चीज देखो ना, आप डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपकी आईज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, वो आपकी रिपोर्ट देखते हैं, आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है 3-4 दिन का, वो सब चीजें देखते हैं, देन उसके बाद आपको सजेस्ट करते हैं, तो वो बहुत ही सही सजेस्ट कर रहे हैं आपको, आप बिल्कुल भी अपने माइंड से ये बातें निकाल दो। तो एक और क्वेश्चन था, लाइट से मेरे को इश्यू, या स्टार्टिंग में बहुत इश्यू हो रहे थे, इनफैक्ट जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोज बनाई थी उसमें मैंने रिंग लाइट का यूज नहीं किया था, डायरेक्ट मैं जस्ट बोल रही थी, वीडियो बना रही थी, सिर्फ इतना था, लाइटें बंद थी, ये ट्यूबलाइट जली हुई थी, इतना था, क्योंकि रिंग लाइट जैसे रिंग तो मुझे इधर 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 सब जगह रिंग लाइट्स दिख रही थी। एंड एक क्वेश्चन आया था, बसेस वगैरह जैसे सामने से आ रही है एंड मैं स्कूटी चला रही हूँ सपोज, या बाइक वगैरह आप चला रहे हो तो वो आंखों में लगती है क्या? यार वो लगती है, अगर आपने सनग्लासेस पहने हैं तब भी दिखेगी, या नॉर्मल आंखों में जब लगती है तो ऑब्वियसली बात है ना, अब तो आपकी आंखें नॉर्मल हो रही है,
होंगी ना, लगेगी वो तो ऑब्वियसली बात है, वो लग रही है मेरे को, लाइटें सच में लग रही हैं, बट इतनी नहीं कि मेरी आंखें बिल्कुल चुंदी हो जाए, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को ऐसा कुछ ही नहीं है तो वो चीज काम कर लेना अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपके आईज की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। एम्स की लास्ट विजिट का क्वेश्चन आया था मेरा कि मैं बताऊं उसके बारे में, लास्ट विजिटिंग अभी तक हुई नहीं है मेरी, दोबारा से मुझे बुलाया गया है, एक साल हो चुका है उसके बाद भी बुलाया हुआ है, 6 महीने बाद बुलाया था, अब फिर 6 महीने बाद बुलाया, मुझे नहीं पता क्या होगा। वो जो स्टार्टिंग के जो आपके है ना वही वाले सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, एंड में मैम है जिनकी स्वीट सी वॉइस है, और तो वो ही आपको सजेस्ट करती है, सब कुछ बात करती है हमसे कि कुछ इश्यू वगैरह हो या फिर अब नेक्स्ट कब आना है आपको या फिर जो भी बातें हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। तो हाँ आप उनसे ना पूछा करो थोड़ा सा, जैसे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछते हो, वैसे मेरे पास जितनी नॉलेज होती है उतना सब कुछ मैं आपको देती हूँ, आपको बताती हूँ, एंड होप ये वीडियो ज्यादा बहुत खिंच के ना चली जाए। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, प्रिकॉशंस में देखो मैंने 1 महीने तक मुंह नहीं धोया था, सबसे पहली बात वाइप से ही अपना फेस को क्लीन किया था, डॉक्टर बोल रहे थे कि आप अगले दिन से सब कुछ कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया था, फोन अगले दिन से आप चला सकते हो, उस दिन ही चलाना था, मैंने 1 हफ्ते तक नहीं चलाया था, एंड लाइट से प्रोटेक्शन के लिए बोला था उन्होंने 6 महीने के लिए, मैं अभी तक भी अपनी आंखों को लाइट से प्रोटेक्शन दे रही हूँ, एंड एक्सरसाइज के लिए बोला था, अभी तक भी एक्सरसाइज कर रही हूँ 6 महीने के लिए बोला था, वो भी ड्रॉप के लिए बोला था, अभी तक भी मैं ड्रॉप यूज कर रही हूँ। तो आप देखो कि मैंने कितनी ज्यादा हर चीज केयर 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 कर करके मैंने करी है अपनी, तो मुझे नहीं पता रिजल्ट देखो मुझे मिला नहीं मिला, क्योंकि मैंने उनसे बात नहीं करी कि उनको तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, बट हाँ कुछ की मेरे पास नंबर है तो मैं उनसे बात करती रहती हूँ कि, तो आप लोग भी ऐसे आसपास वालों से बात कर सकते हो, कुछ के मेरे पास ऐसे नंबर है, मतलब मेरे फ्रेंड्स बन गए थे वहीं पर थोड़े से जैसे बातचीत हो जाती है, और ऑफकोर्स मैं बहुत ही टॉकेटिव पर्सन हूँ तो मेरी तो बात हो ही जाती है ऑफकोर्स, तो तब उनसे बात करते हो, तो वो लोग मुझे यही कंडीशन बताते हैं, जो मेरी कंडीशन है वही सेम उनकी कंडीशन है, बट ये बॉडी पर भी आपके डिपेंड करेगा। सपोज दैट आप बहुत स्ट्रांग हो, एक हरियाणा का लड़का मेरे को मिला था, वो इतना स्ट्रांग था, वो बोला मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ, मैं तो कोई पेन किलर नहीं खाई, तूने कौन सी पेन किलर, मतलब उसकी हंसाई भी जैसी तू तड़ा करके बोल रहा था, एंड हरियाणवी लड़का था, तो वो भी बॉडी मैटर करती है, वो मेरे से छोटा था और वो इतना चौड़ा और इतना लंबा था, तो वो चीज पे तो मैटर करेगी, जाहिर सी बात है आपका खान पीन ही तो मैटर करेगा हर चीज, और किसी किसी का ऐसा था कि अगले दिन सर्जरी के इतनी ज्यादा आंखें सूजी हुई थी, वीकनेस, वो ऐसे ऐसे आंख नहीं खुल रही, आंख नहीं, वो ऐसा हो रहा था, तो प्लीज आप अपनी डाइट पे प्रॉपर वो करें। और तो कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी भी पूछा हुआ था मेरे से, तो मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई, देखो एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो सब कुछ टाइम के साथ साथ सही होती जाएगी, कुछ चीजें होती है जो मेडिसिन से ठीक हो जाती है, कुछ चीजें होती है एक्सरसाइज से ही ठीक होती है, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो वो एक्सरसाइज से अंदर होगा ना, कोई मेडिसिन खा के कैसे आप अपना फैट बर्न कर सकते हो, है ना, तो वही चीजें हैं। एंड आपको मैं एक और बात बताऊं, मेरी मम्मी की भी रिसेंटली सर्जरी हुई है, उनकी हड्डी बढ़ गई थी एंड उनके घुटनों में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने उनको सर्जरी के बाद मेडिसिन बंद करके, एक ही मेडिसिन रखी हुई है रात वाली, उसके बाद भी उनको एक्सरसाइज का ही बोला है, एंड बोला है कि एक्सरसाइज से ही ये ठीक होगा, उसके अलावा कोई चीज नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सरसाइज से ही ठीक होती है। अब देखो आंखों में आपको खाने की आपको दवाई नहीं दे रहे हैं, ड्रॉप ड्राइनेस की दे रहे हैं, बचा क्या, एक्सरसाइज करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने करी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है और हर चीज ठीक हुई है। सो छोटी सी एक एक और चीज था, स्टडी करते हुए मेरे को क्या दिक्कत आ रही थी, मैं एक पेपर ले लेती हूँ जिसमें कुछ लिखा हो, या इसमें ना मैं ना ऐसे जैसे सपोज दैट पढ़ रही हूँ एंड ऐसे देख लिया, 5 मिनट तक पढ़ रही हूँ, पूरा पेज पढ़ने के आधा ही पेज यहाँ तक पढ़ रही थी, एंड उसके बाद मेरे को ना ऐसा हो जाता था, मतलब समझ कैसे समझाओ, कहीं पे स्पॉट्स, कहीं पे ब्लू स्पॉट, ऐसे टाइप का स्पॉट दिखना स्टार्ट, एंड अभी मैं देखो मैं रिंग लाइट के आगे बैठी हुई हूँ एंड अगर मैं इस साइड में ऐसे कर रही हूँ तो मुझे वो स्पॉट्स अभी भी दिख रहे हैं, तो कभी कभी ना हमें दिक्कत होती है, हमें बॉडी नहीं कर पाता उतना सब कुछ, क्योंकि बहुत वीडियो आपको भले ही 20 मिनट की दिख रही हो या फिर 5 मिनट की दिख रही हो, बनाने में तो 1.5 घंटा ही लगता है, 1.5 घंटा रिंग लाइट के आगे बैठना इट्स नॉट सच में इजी। अगर मैं इसको यहाँ तक करूँ ना तो उसके बाद मैं जैसे ऊपर देखती हूँ मुझे ऐसे लाइनिंग्स दिखाई देती थी, एंड वो लाइनिंग काफी देर तक दिखाई देती थी, एंड कई बार ऐसा होता था मैं टाइम ही नहीं देख पाती, यार टाइम क्या हो रहा है,
कुछ हो जाता था, कुछ दिक्कत होती थी, तो वो एक्सरसाइज से ठीक हुई है मेरी। एंड स्टडी के टाइम पे मेरे को ये चीज एक्सरसाइज के बाद भी थोड़ी सी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैं हर 20 मिनट में या 10 मिनट्स में हल्का सा गैप लूं, मीनिंग गैप लूं। तो अगर आपको स्टडी करते हुए वो दिक्कत आ रही है तो ऑफकोर्स आप छोटा सा गैप ले सकते हैं अपने इसमें। एंड इनफैक्ट ये 10-20-10 करके कुछ ऐसा करके कुछ है भी रूल, मुझे पता नहीं है उस चीज के बारे में। बट या उसके बाद आपका आया था क्वेश्चन क्या था, ड्राइनेस के बारे में थी, ड्रॉप और एक्सरसाइज। ऑफकोर्स मैंने ये चीज बता दी है आपको, और एक्सरसाइज की वो वीडियो जरूर से देखना। होप मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, एंड दो वीडियोस और आएंगी एक्सरसाइज से रिलेटेड, एंड ऑफ कोर्स लास्ट विजिटिंग मेरी वाली, तो वो चीज के बारे में आप देख लेना। होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।